पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ज्यादा ब्रांच है, 12,000 से ज्यादा एटीएम है, 30,000 से ज्यादा बीसी है। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो लगभग 50,000 से ज्यादा के टच पॉइंट आते हैं जहाँ पे हम जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। और जो पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अतुल कुमार गोयल पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटना अंचल का आधिकारिक भ्रमण किया। आधिकारिक दौरे के प्रथम चरण में उन्होंने अंचल कार्यालय पटना सहित अधीनस्थ मंडल कार्यालयों, व्यावसायिक समीक्षा के साथ ही जमा एवं क्रेडिट पोर्टफोलियो, विशेषकर रिटेल, एमएसएमई एवं कृषि को बढ़ाने तथा बैंक के दिशा निर्देशों के तहत एनपीए को घटने पर विशेष बल दिया। समीक्षा बैठक के पश्चात उन्होंने अंचल के कारोबार में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले वशिष्ठ ग्राहकों से मुलाकात की एवं उनके कारोबारी स्थिति पर चर्चा करते हुए बैंक के सभी प्रकार के सहयोग हेतु आश्वस्त किया। ये मेरा पहला विजिट है पटना में आफ्टर टेकिंग द चार्ज ऑफ दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब नेशनल में। आई हैव टेकन चार्ज 1st of January 2022 में एज ए ऑफिसर ऑफ द स्पेशल ड्यूटी, और 1 फरवरी 2022 से मैंने चार्ज लिया इसका एज ए MD NCO। तो ये नॉर्मली हमारा रहता है कि जितने भी हमारे जोन हैं हम वहाँ पे जाके अपने जो भी साथी लोग हैं उनसे मिलें, क्या कॉरपोरेट हमारा गोल है उसको उनको बताएं। हालांकि हमारी कॉन्फ्रेंस होती है एवरी ईयर, हम बुलाते हैं सारे जोनल मैनेजर्स को, सर्किल हेड्स को, उनको बताते हैं, बट अगर हम भी जाते हैं तो थोड़ा सा बेहतर होता है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा होता है हमारे एम्प्लॉय से, और उनकी बात भी हम सुनते हैं कि क्या परेशानी है, क्या वो चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी समस्याएं भी सुनते हैं। तो ये पर्पस केवल यही था कि पटना में आने का, और हमारे हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि हालांकि CD रेशो बहुत कम है बिहार में एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, बट हम चाहते हैं अपॉर्चुनिटी हैं, ऐसा हमको लगता है कि अपॉर्चुनिटी हैं। बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही है बट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, मैंने यहाँ पे भी देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम हो रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है इसको ध्यान में रखते हुए। आपके आपके ब्रांच मैनेजर बहुत तनाव में रहते हैं, आप उनसे क्लाइंट भी खोजते हैं, आप उनसे इंश्योरेंस भी कराते हैं, आप उनसे हेल्थ इंश्योरेंस भी कराते हैं, ये ऑलराउंडर है भाई साहब। सब ये समझिए, ये जितने भी हमारे 1,00,000 एम्प्लॉई हैं ये सब ऑलराउंडर हैं, ये इतने सक्षम हैं, ये हर एक चीज़ को करते हैं, ये खाते ये खाते भी खोलते हैं और भी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है सभी में करते हैं। नहीं नहीं फिर आवर आप पूछिए। 2024 में 23.56 ट्रिलियन बिजनेस पंजाब नेशनल बैंक का है, ये आज एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री की। 10,000 से ज़्यादा ब्रांचें हैं, 12,000 से ज़्यादा ATM हैं, 30,000 से ज़्यादा BC है। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो लगभग 50,000 से ज़्यादा के टच पॉइंट आते हैं जहाँ पे हम जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। और जो मेन आपका होता है कि असेट्स क्वालिटी में क्या है, असेट्स क्वालिटी अगर 2-3 साल पहले देखें पंजाब नेशनल बैंक की, हम मानते हैं कि वो अच्छी नहीं थी। लगभग 11.5% के करीब ग्रॉस NPA था March 22 में, जो March 24 में 5.73 रह गया। सिमिलरली अगर नेट NPA देखें, ये लगभग 4.80 से ज़्यादा था March 22 में, ये लगभग 0.73% रह गया। और जो PCR था वो लगभग 80-81% के आसपास रहता था 2 साल पहले, वो अब 95% से ज़्यादा है। तो 95% अगर PCR हो गया, प्रोविजन बेहतर हो गया है, तो आने वाले समय में जो एजिंग रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम क्रेडिट कॉस्ट बोलते हैं, NPA खातों का प्रोविजन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होगा। और जैसे मैंने डिजिटल में बताया है कि आपको जो है 2 साल में बहुत काम हुआ, इसमें मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको कि एक DFS का प्रोग्राम होता है, मतलब जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाती है, ईज एनहांस एज ए सर्विस एक्सीलेंस। इसमें हमारी पहले रैंकिंग 5 थी, फिर 3 थी। अभी जो दिसंबर का रिजल्ट आया, दिसंबर 23 का और मार्च 24 का, पंजाब नेशनल बैंक की रैंकिंग
नंबर टू है। नंबर वन और नंबर टू में अगर मार्क्स में देखें तो केवल 0.3 का डिफरेंस है। और दूसरा हमारा जो है मार्केट कैप भी बढ़ा। 15 दिसंबर को अगर देखते, 15 दिसंबर 23 को PNB का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हुआ। फरवरी में हमारा जो है शेयर जो है मॉर्गन स्टेनले इंडेक्स में जाके जुड़ा है। और जो हमारे टायर वन टायर टू रेटिंग होती है, वो टायर वन टायर टू रेटिंग दोनों में जो है उनमें इंक्रीज हुई है, हमारी रेटिंग इम्प्रूव हुई है। AAA है आज हमारी टायर टू की रेटिंग। तो इस तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर काम हुआ है। और जो जो आप बाबा पूछते आज आने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि किस तरीके से और बैंक का बिजनेस बढ़ाए और ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा दें। सबसे पहला मूल मंत्र जो हम अपने सभी साथियों को देते हैं, किस तरीके से ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा दे सके। और जो नीचे तबके के लोग हैं, जो BPL बोलते हैं, किस तरह की उनके जीवन यापन को बेहतर बनाने में उनका सहयोग कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी इनकम दुगनी कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि जो गवर्नमेंट का भी है एजेंडा कि किस तरीके से फार्मर्स की इनकम को दुगना करें, तो वो हमारा ये भी है कि फार्मर्स की इनकम को दुगना करें। अगर आप देखो तो खाली लोन की बात नहीं है, हमारे लोगों के हम बैंक में 12 जगह फार्मर्स ट्रेनिंग क्लब चलाते हैं, फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर। ये मेरे ख्याल से और किसी बैंक में नहीं होंगे जिसमें हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। उनको खाली ऋण ही नहीं, उनको ये भी बताते हैं कौन सी फसल बेहतर है, किस फसल। हम SLBC कन्वेनर हैं, दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, त्रिपुरा में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, और जो है हमारे 9 RRBs हैं। तो ये एक बड़ा बैंक है और जो है इसमें जो है और बेहतर से बेहतर जो है काम करने के लिए आगे हम लोगों को। फार्मर्स और ऋण की बात है, आप बिहार आए, क्या लगता है कि ऋण के मामले में जो लोन्स दिए जाते हैं उसको लेकर क्या कुछ अच्छी तरह और आगे आप? ये देखो आप जैसे आपने फार्मर्स के बारे में बताया, तो मैं इसमें देखो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऋण का मामले में 2 ही चीज़ें, जितनी ज़रूरत है उतना और कैसे जल्दी से जल्दी दे सकें। मैं आपको ये बताऊँ क्योंकि हम डिजिटल का बहुत यूज़ कर रहे हैं। एक KCC तत्काल हमारी स्कीम है, जो ऑलरेडी KCC इनके पास पहले है उसमें 50,000 रुपये तक का लोन उनको बिना किसी, वो पेमेंट बेसिस पे उनका कैसे पेमेंट वगैरह हुआ है उसमें उनको आने तक की जरूरत नहीं देखी आप। 50,000 तक का इमीडिएट लोन होता है। और एक फार्मर से अलावा PAPL ये हमारा अगर देखें तो ये 60 सेकंड से कम में, 1 मिनट से कम में केवल 4 क्लिक, अरे एक OTP पे उनके खाते में पैसा जमा हो जाता है। क्लिक क्या है, 4 क्लिक क्या है, लॉगिन करना है उनको, PAPL मेनू सेलेक्ट करनी है, तीसरे उनकी एलिजिबिलिटी आ जाती है, कितना लोन है, कितने टाइम में पेमेंट करना है, उसको कम कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर उतना नहीं लेना है टाइम पीरियड को भी कम कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। सर की शिकायतें होती है कि लोन लेने के लिए काफ़ी बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसको लेकर आसान बनाया जाए, उसको लेकर खासकर MSME। मैं आपको तीनों में बताता हूँ। देखिए पर्सनल लोन, ग्राहक को आने की जरूरत नहीं है, 10 लाख तक का पर्सनल लोन, इसका ये बताता हूँ आंकड़ा, ये लगभग 52 करोड़ था जून 22 के बाद 7,500 करोड़ से ज़्यादा के लोन सैंक्शन हुए और आउटस्टैंडिंग लगभग 4,500 करोड़ से ज़्यादा है। तो देखिए आप इस मतलब कस्टमर को आना नहीं पड़ रहा, नंबर एक चीज PAPL। दूसरा आपने MSME की बात करी, प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन 10 लाख तक का बिजनेस लोन जिसमें उसका जो है उद्यमी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी है, सब कुछ है, CGTMS का कवरेज भी है, उसमें भी ये कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग पे है। तीसरा मैंने आपको बताया ये आपका जो है ये कि फार्मर्स के लिए कृषि तत्काल, आपको मैं ऋण जिनके खराब हो गए किसी वजह से, वो केवल पंजाब नेशनल बैंक में ही है जो ऋण है 10 लाख तक के ऋण, उसमें EOTS है, EOTS ग्राहकों को आने की जरूरत नहीं है, ये NDND है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। इसमें वो जितना वो इंजन बेस्ड है, कितने उनका पुराना है लोन, कितनी उनकी सिक्योरिटी है, उसके बेसिस पे जमा कर देंगे। नो ड्यू सर्टिफिकेट भी उनको जो है मोबाइल पे मिल रहा है। और क्रेडिट कार्ड देखिए, आपको जो है क्रेडिट कार्ड मोबाइल के थ्रू मिलता है, इवन आपने फिजिकल कार्ड नहीं रिसीव करा, आपको वर्चुअल कार्ड आपके क्रेडिट कार्ड पे उस पर मिल जाएगा मोबाइल पे, आप उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, अभी तक फिजिकल कार्ड आया भी नहीं है, वो यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पटना से सचिन तिवारी की रिपोर्ट।